और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। हेलो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, यह वीडियो आज एडिट करने वाले हैं, यानी कि सीखने वाले हैं दोस्तों। यह वीडियो एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जो है काइंड मास्टर। चलिए दोस्तों, अपना काइंड मास्टर ओपन कीजिए, वहाँ पे चल के आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों हमारा काइंड मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस का आइकन को सेलेक्ट कीजिए, 9:16 का दोस्तों फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो शूट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटिंग करने के लिए वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो पर दोनों फिंगर रखकर कुछ इस तरह से जूम कर दीजिए, एडिटिंग करने में आसानी होगी। अगेन दोस्तों उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ पे दोस्तों आप गन से शूट करते हो आसमान में। देखिए दोस्तों हम गन से शूट यहीं पे कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाकर दोस्तों एक स्काई वाला वीडियो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों स्काई वाला वीडियो को कुछ इस तरह से जूम करके आसमान में फिक्स कर दीजिए। क्रोमा के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों ओवरलेन को दोस्तों ऑन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों जितना बार आप स्काई पे शूट कर रहे हो ना दोस्तों, उतना बार हम स्काई को चेंज करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों स्काई वाला वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। देखिए दोस्तों स्काई वाला का जो पीछे का पार्ट है स्ट्रा पार्ट, इसे कटिंग करने के लिए लेयर पे क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए दोस्तों कैची का ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों स्काई वाला फोटो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों स्काई को कुछ इस तरह से जूम करके फ्रेम के बराबर कर दीजिए। क्रोमा के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्काई को हम यहीं तक रखने वाले हैं दोस्तों, तो इसको कटिंग करने के लिए स्काई पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैची का ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों इसकी स्काई वाला वीडियो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को कुछ तरह से जूम करके आसमान में फिक्स कर दीजिए। क्रोमा के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों ओवरले पे क्लिक कर दीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे स्लाइड कीजिए। देखिए दोस्तों इस लेयर वाले वीडियो को हम यहीं तक रखने वाले हैं दोस्तों, तो लेयर पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैची का ऑप्शन है दोस्तों, इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों अपने वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैची का ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट कीजिए, स्प्लिट एप्लाइड कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों एक स्काई वाला वीडियो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों स्काई वाला वीडियो को कुछ इस तरह से जूम करके आसमान में फिक्स कर दीजिए। क्रोमा की के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों ओवरले को ऑन कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डुप्लीकेट पे दोस्तों क्लिक कर दीजिए। अगेन दोस्तों कलर फिल्टर के नीचे देखिए दोस्तों रोटेट का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों ए वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों स्काई को कुछ इस तरह से नीचे लेके दोनों स्काई को एक में ज्वाइन कर दीजिए, कुछ इस तरह से देख लीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों एरोप्लेन वाली पीएनजी को ऐड कर लीजिए। दोस्तों एरोप्लेन वाली पीएनजी को कुछ तरह से छोटा करके यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के लास्ट पोजीशन पे आ जाइए। देखिए दोस्तों जितना लेयर अब वीडियो से बड़े दोस्तों ना उसको कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अब दोस्तों एरोप्लेन वाली पीएनजी में की एनिमेशन देंगे। की एनिमेशन देने के लिए देखिए दोस्तों एरोप्लेन वाली पीएनजी पे क्लिक कीजिए, डिलीट के ऊपर देखिए दोस्तों की का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। दोस्तों पीएनजी को कुछ से बड़ा करके यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। अब दोस्तों अपने सेकंड वाले वीडियो का डुप्लीकेट लेयर करेंगे। डुप्लीकेट लेयर करने के लिए देखिए दोस्तों अपने वीडियो पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों थ्री डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों डुप्लीकेट एस लेयर पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों डुप्लीकेट लेयर को यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए, कैची के बगल में देखिए दोस्तों एक डब्बा है, इस पर क्लिक कीजिए, दोस्तों ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों अपने लेयर वाली वीडियो का स्काई और बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन है सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों जो आपका स्काई का कलर है दोस्तों यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, दोस्तों यहाँ से इनेबल कर दीजिए। दोस्तों ये दोनों पॉइंट को आगे पीछे कुछ तरह से करके अच्छे से मैच कर लीजिए, ताकि दोस्तों बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव हो जाए। अब दोस्तों फर्स्ट वाले वीडियो पे आ जाइए। देखिए दोस्तों इस वीडियो का भी डुप्लीकेट लेयर करनी है। डुप्लीकेट लेयर करने के लिए देखिए दोस्तों वीडियो पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों थ्री डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डुप्लीकेट इस लेयर पे दोस्तों क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रोमा की का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों जो आपका स्काई का कलर है दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, दोस्तों यहाँ से डन कर दीजिए, दोस्तों यहाँ से एनेबल कर दीजिए। दोस्तों ये दोनों पॉइंट को आगे पीछे कुछ ही तरह से करके अच्छे से मैच कर लीजिए, ताकि दोस्तों ये जो स्काई का कलर दोस्तों ना अच्छे से रिमूव हो जाए।
देखिए दोस्तों, हमारा स्काई का कलर अच्छे से रिमूव हो चुका है। दोस्तों एक बार अपने वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिए, नीचे देखिए दोस्तों एक्सपोर्ट का ऑप्शन से सेलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ से बैक आ जाइए अपने काइनमास्टर के होम पेज पे। अगेन दोस्तों प्लस पे सेलेक्ट कीजिए, 916 का दोस्तों फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जो अभी आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया ना दोस्तों, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन दोस्तों उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ पे दोस्तों आपका स्काई चेंज हो रहा है। देखिए दोस्तों हमारा स्काई कलर यहीं पे चेंज हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो का कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैची का ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट कीजिए, स्प्लिट अप्लाइड कर दीजिए। दोस्तों कुछ इस तरह से आप दोस्तों जहाँ जहाँ पे आपका स्काई चेंज हो रहा है दोस्तों वहाँ पर आप लोग स्प्लिट अप्लाइड कर दीजिए कुछ इस तरह से। अपने फर्स्ट वाले कट पे क्लिक कीजिए, कलर फिल्टर के नीचे देखिए दोस्तों एडजस्टमेंट का ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों टेम्परेचर को यहाँ तक माइनस कर दीजिए। अगेन दोस्तों सेकेंड वाले कट पे क्लिक कीजिए, दोस्तों यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट का ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों टेम्परेचर को थोड़ा सा फुल कर दीजिए, यानी कि प्लस कर दीजिए। अगेन दोस्तों थर्ड वाले कट पे क्लिक कीजिए, एडजस्टमेंट पे दोस्तों क्लिक कीजिए। दोस्तों टेम्परेचर को यहाँ तक माइनस कर दीजिए। दोस्तों कंट्रास्ट को दोस्तों यहाँ तक प्लस कर दीजिए। अगेन दोस्तों लास्ट वाले कट पे क्लिक कीजिए, दोस्तों एडजस्टमेंट पे क्लिक कीजिए। दोस्तों कंट्रास्ट को दोस्तों थोड़ा सा फ्लश कर दीजिए। दोस्तों हाईलाइट को थोड़ा सा फ्लश कर दीजिए। अगेन दोस्तों लास्ट वाले कट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों स्पीड का ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ तक माइनस कर दीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा कि अपनी वीडियो स्लो मोशन हो जाएगी। अगेन दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाइए। दोस्तों अब अपने वीडियो में म्यूजिक ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों म्यूजिक को यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। छोटा सा काम दोस्तों एक और रह गया, दोस्तों अपनी वीडियो में एक इफेक्ट ऐड करनी है। दोस्तों इफेक्ट ऐड करने के लिए दोस्तों VN एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप पहले तो इस वीडियो को यहाँ से सेव कर लीजिए गैलरी में। चलिए दोस्तों अपने VN एप्लीकेशन ओपन कीजिए, वहाँ पर जाकर आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों हमारा VN एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। नीचे देखिए दोस्तों प्लस का आइकन से सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे दोस्तों क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जो अभी अपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया ना दोस्तों, उस वीडियो को ऐड कर लीजिए। अगेन दोस्तों उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ पे दोस्तों एरोप्लेन आ जा रही है। देखिए दोस्तों एरोप्लेन यहीं पे आ रही है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों नीचे कैची का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों FX का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों ए वाला इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। दोस्तों इफेक्ट को कुछ इतने से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए घींचकर। दोस्तों वीडियो के लास्ट पोजीशन पे जाइए। देखिए दोस्तों जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना दोस्तों, इस एप्लीकेशन का वाटर मार्क है। दोस्तों यहाँ से डिलीट कर दीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए अपनी वीडियो कैसी एडिट हुई है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे ट्रेंडिंग VFX वीडियो का टोटल डेली लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो को गैलरी में सेव और शेयर करने के लिए देखिए दोस्तों ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहां से डन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।